शक्ति उपासना का पर्व नवरात्र क्यों मनाया जाता है और माँ दुर्गा की आराधना क्यों की जाती है, इसको लेकर दो कथाएं प्रचलित हैं। नवरात्र की प्रथम कथा इस प्रकार है। एक कथा के अनुसार लंका युद्ध में ब्रह्मा जी ने श्री राम से रावण वध के लिए चंडी देवी का पूजन कर देवी को प्रसन्न करने को कहा और विधि के अनुसार चंडी पूजन और हवन हेतु दुर्लभ 108 नील कमल की व्यवस्था भी करा दी। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमृत को प्राप्त करने के लिए चंडी पाठ प्रारंभ कर दिया। यह बात पवन के माध्यम से इंद्रदेव ने श्रीराम तक पहुंचवा दी। इधर रावण ने मायावी तरीके से पूजा स्थल पर हवन सामग्री में से एक नील कमल गायब करा दिया, जिससे श्रीराम की पूजा बाधित हो जाए। श्रीराम का संकल्प टूटता नजर आया। सभी में इस बात का भय व्याप्त हो गया कि कहीं माँ दुर्गा को पित न हो जाए। तभी श्रीराम को याद आया कि उन्हें कमल नयन नवकनज लोचन भी कहा जाता है, तो क्यों न एक नेत्र को वैभमा की पूजा में समर्पित कर दें। श्रीराम ने जैसे ही तुनीर से अपने नेत्र को निकालना चाहा, तभी माँ दुर्गा प्रकट हुईं और कहा कि वे पूजा से प्रसन्न हुईं और उन्होंने विजयश्री का आशीर्वाद दिया। दूसरी तरफ रावण की पूजा के समय हनुमान जी ब्राह्मण बालक का रूप धरकर वहाँ पहुँच गए और पूजा कर रहे ब्राह्मणों से श्लोक जया देवी भूर्त हिरणी में हरिणी के स्थान पर करणी उच्चारित करा दिया। हरिणी का अर्थ होता है भक्त की पीड़ा हरने वाली और करणी का अर्थ होता है पीड़ा देने वाली। इससे माँ दुर्गा रावण से नाराज हो गई और रावण को श्राप दे दिया। रावण का सर्वनाश हो गया। नवरात्र की द्वितीय कथा इस प्रकार है। एक अन्य कथा के अनुसार महिषासुर को उसकी उपासना से खुश होकर देवताओं ने उसे अजय होने का वर प्रदान कर दिया था। उस वरदान को पाकर महिषासुर ने उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और नरक को स्वर्ग के द्वार तक विस्तारित कर दिया। महिषासुर ने सूर्य चंद्र इंद्र अग्नि वायु यम वरुण और अन्य देवताओं के भी अधिकार छीन लिए और स्वर्गलोक का मालिक बन बैठा। देवताओं को महिषासुर के भय से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ रहा था। तब महिषासुर के दुस्साहस से क्रोधित होकर देवताओं ने माँ दुर्गा की रचना की। महिषासुर का वध करने के लिए देवताओं ने अपने सभी अस्त्र शस्त्र माँ दुर्गा को समर्पित कर दिए थे, जिससे वह बलवान होगी। 9 दिनों तक उनका महिषासुर से संग्राम चला था और अंत में महिषासुर का वध करके माँ दुर्गा महिषासुर मर्दिनी कहलाई। नवरात्रि साल में 2 बार मनाया जाने वाला इकलौता उत्सव है। एक नवरात्रि गर्मी की शुरुआत पर चैत्र में और दूसरा शीत की शुरुआत पर आश्विन माह में। गर्मी और जाड़े के मौसम में सौर ऊर्जा हमें सबसे अधिक प्रभावित करती है, क्योंकि फसल पकने, वर्षा जल के लिए बादल सन्निहित होने, ठंड से राहत देने आदि जैसे जीवन उपयोगी कार्य इस दौरान संपन्न होते हैं। इसलिए पवित्र शक्तियों की आराधना करने के लिए ये समय सबसे अच्छा माना जाता है। प्रकृति में बदलाव के कारण हमारे तन मन और मस्तिष्क में भी बदलाव आते हैं। इसलिए शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए हम उपवास रखकर शक्ति की पूजा करते हैं। एक बार इसे सत्य और धर्म की जीत के रूप में मनाया जाता है, वहीं दूसरी बार इसे भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।